हिमाचल पथ परिवहन निगम की रामपुर स्थित कार्यशाला कर्मचारियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। हिमाचल परिवहन निगम तकनीकी कर्मचारी संगठन का आरोप है कि मौसम साफ हो तो धूल ही धूल और अगर बारिश हो तो कीचड़, इस हालत में मरम्मत कार्य को अंजाम देना मुश्किल हो रहा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम रामपुर डिपो की कार्यशाला की बदहाली कर्मचारियों के लिए परेशानी का सबब बना है। मौसम साफ हो तो धूल ही धूल, बारिश हो तो मुख्य मार्ग से लेकर सीवरेज का कीचड़ कार्यशाला में पहुंच जाता है। ऐसे में कार्यशाला में कार्यरत कर्मचारी ना तो काम कर सकते हैं और उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कार्यशाला के कर्मचारी और हिमाचल परिवहन निगम तकनीकी कर्मचारी संगठन ने आरोप लगाते हुए बताया कि लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़क और कार्यशाला में सीमेंट कंक्रीट किया गया, लेकिन वो कुछ ही समय बाद उखड़ गया। उनका कहना है कि मरम्मत कार्य में ईमानदारी से काम नहीं हुआ है, जिससे आज ये स्थिति बनी हुई है। नवल किशोर, चेयरमैन हिमाचल परिवहन निगम तकनीकी कर्मचारी संगठन ने बताया कि बीते साल लोक निर्माण विभाग के माध्यम से रामपुर कार्यशाला और संपर्क सड़क को पक्का करने के लिए सीमेंट कंक्रीट से पक्का किया गया था, लेकिन काम गुणवत्तापूर्ण न होने से सारा उखड़ गया है। पानी की निकासी के लिए नालियों का भी निर्माण नहीं हुआ है, ऐसे में निगम के कार्यशाला कर्मियों को काम करना मुश्किल हो जाता है। वहीं यूनिट के प्रधान संजीव कुमार ने बताया कि जो कार्य लोक निर्माण विभाग के सौजन्य से वर्कशॉप और सड़क में हुआ है, वह निम्न स्तर का काम हुआ है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग से भी कई बार इस बारे में शिकायत की गई है, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। चलो, मैं संजीव कुमार, HRTC रामपुर यूनिट का प्रधान। हमारे यहाँ पे वर्कशॉप में बहुत सारी समस्याओं का अवलोकन है। यहाँ पे जो ठेकेदार ने अपना कार्य किया है वो बहुत ही असंवेदनशील है, जिसका कि 6 महीने ही हुए हैं अभी काम करके, 6-7 महीने, और इससे बहुत सारी धूल जब हम काम करते हैं हमारे नाकों में, कानों में, इधर उधर बहुत सारा कपड़े हमारे बहुत गंदे हो जाते हैं। और साथ में ही हमारा एक गेट है, गेट के बाहर में एक सीवरेज का पाइप है, वो सीवरेज पाइप जो है बहुत समय से लीकेज होती रहती है। हमने विभाग से कई बार गुहार भी लगाई है और उनको फ़ोन करके भी बताते हैं, तो वो लोग उसका भी कोई भी अवलोकन नहीं करते हैं उसकी।